हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से टोटके करने से आपको धन दौलत की कमी नहीं होगी, नौकरी जल्दी से मिल जाएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है, साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति हो और धन दानने की कमी ना हो, नौकरी हो जाए, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर दान करें और इन चीज़ों का दान करने से आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस समय हर जगह नवरात्रि के चलते पूरा माहौल भक्ति में नज़र आ रहा है। जगह जगह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और कई भक्तों ने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किए हैं। कठिन व्रत पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर भक्त का माँ को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपको मिले और आपके घर में सुख संपत्ति प्रेम और वृद्धि रहे, तो आप ये 5 चीज़ें जरूर दान करें। कहा जाता है कि ये चीज़ें माता रानी को अति प्रिय है और इन्हें दान करने से माँ प्रसन्न होती है, तो आप इसे जरूर दान करें। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो जाती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होती है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित ना कर पाए तो अविवेचित मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अविवेचित मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है, हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अविजित मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब 1 तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधे। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल से मिलाएं। फिर इसमें 1.25 रुपया दुबी सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब 1 नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें अपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि माँ भगवती की आराधना के इन दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिनों के दौरान व्रत, तप, यज्ञ और दान करते हैं, उसे इन सब का करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के ये 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में कुछ विशेष दान किए जाएं तो इससे अपार धन लाभ के योग बन सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 52 दिनों में 8 साल से छोटी कन्या को लाल चूड़ियों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से देवी कृपा बरसती है। बताया जाता है कि जो लोग प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं, उनके घर में बरकत होती है
और देवी खुश हो जाती हैं। देवी दुर्गा सुहागिन है, उन्हें सुहाग का सामान बहुत पसंद है। नवरात्र के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर देवी माँ को अर्पित करें, फिर मेहंदी को 7 सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियाँ जितना प्रसन्न होगी देवी दुर्गा भी उतना ही प्रसन्न होती है। माना जाता है कि मेहंदी का दान करने से धन डालने के योग्य बनते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मान्यता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। जो कि व्यक्ति नवरात्र के पावन 9 दिनों के दौरान केले का दान करता है उसके घर में शुभता आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन दान्य बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं, यानी कि गरीबी से निजात पाना चाहते हैं, उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदुओं में विशेष महत्व बताया गया है। माता दुर्गा के 9 रूपों के पूजन को बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस पर्व को दुर्गा पूजा की तरह भी मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं और घर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, धन लाभ के योग बना सकते हैं। इन विशेष उपायों से घर में धन डालने बना रह सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय है क्या। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिलाकर नहाएं। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमारे लिए धन के योग बना सकती हैं। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में ही हरी इलायची डालकर स्नान करेंगी तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री सुखतम का पाठ करें, इसे आपको लाभ होगा। दुर्गा जी की रोज पूजा अर्चना करें और उन्हें अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग तो बनेंगी और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद कौड़ी, कमलगट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने, सभी चीज़ें 5 की संख्या में लें और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके 108 बार माला जाप करते हुए हवन करें। नवरात्रि की पूजा के दौरान आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें पान का वीरा अर्पित करें। इस उपाय से आपके लिए धन के मार्ग खुलेंगे। यदि आप नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल करें। नवरात्रि के 9 दिनों में करें। इन दिनों में आप पान का पत्ता लेकर उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रखें और माता दुर्गा को चढ़ाएँ। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। नवरात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं, ये भी सुख समृद्धि का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे तो यह घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने में मदद करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि में कलश या घट की पूजा की विशेष मान्यता है। इस दौरान यदि आप घर में किसी वजह से घट स्थापित नहीं कर पा रही हैं तो रोज घट की पूजा मंदिर जाकर करें। नवरात्रि के दौरान 9 या अपनी श्रद्धा अनुसार सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियाँ दान करें। इसके अलावा अष्टमी या नवी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ी पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गरीबों या ब्राह्मणों को केला दान करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नए कपड़े का भी दान बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही घर में अगर कोई किसी रोग से परेशान है तो उन्हें भी रोगों से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो कन्याओं को लाल, गुलाबी या पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। ये रंग माता रानी को बहुत ही पसंद आती है। किसी पढ़ने वाले बच्चे को किताबें दान करना नवरात्रि के दौरान बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि किसी असहाय बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कई मशक्कत के बाद भी प्रमोशन या नहीं नौकरी मिल रही है तो नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची, कोई
हरे कपड़े में बांध लें, इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। इससे नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इस उपाय से घर में धन की वर्षा होगी। नवरात्रि में दुर्गा मंत्र का जाप भी विशेष होता है। इन दिनों में यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो लाभदायक होगा। यदि आप शारदीय नवरात्रि में यहाँ बताए उपाय आजमाएंगी तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने तक बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आप शेयर करती हैं तो दूसरे को भी लाभ पहुंचेगा, उसे मदद मिलेगी और ये उपाय करके वो भी अपने धन आने के योग्य बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।